नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर 3 फरवरी की शाम गाजियाबाद के डासना के छिजारसी टोल प्लाजा पर जानलेवा हमला हुआ था। उनके काफिले पर फायरिंग की गई थी। असदुद्दीन ओवैसी डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे, तभी टोल प्लाजा पर उनके काफिले पर फायरिंग की गई, जिस पर वो बाल बाल बच गए। उसके बाद अब गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने के बाद गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि हैदराबाद के सांसद और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा कर रहे असदुद्दीन ओवैसी पर जिस तरीके से हमला हुआ था, उसका संज्ञान लिया गया है और अब उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हुआ था 3 फरवरी को शाम को, जब असदुद्दीन ओवैसी पर ये जानलेवा हमला किया गया था और डासना के पास छिजारसी टोल प्लाजा पर उन पर ये जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हुई थी और आरोपियों को उन्होंने पकड़ भी लिया था। 2 आरोपी पकड़े गए थे जिनसे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने भी अपना बयान जारी किया था। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि पूछताछ की गई और दोनों युवकों ने ये बताया कि असदुद्दीन ओवैसी के वो भाषणों से नाराज थे, इसीलिए उन्होंने उन पर जानलेवा हमला किया। और ये भी यूपी पुलिस ने बताया कि जो भी पिस्टल यूज की गई थी उसको बरामद कर लिया गया है, साथ में एक कार बरामद की गई है। और ये पूरा वाकया 5:20 पर 3 फरवरी को शाम में हुआ था, जब सांसद पर ये हमला हुआ था असदुद्दीन ओवैसी पर, जिसके बाद यूपी पुलिस ने तुरंत तेजी से कार्रवाई की और टोल प्लाजा पर लगे कैमरे के हिसाब से उन्होंने घटना को देखा। उसके बाद उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे लगातार पूछताछ की गई और बताया कि क्यों उन्होंने ये हमला असदुद्दीन ओवैसी पर किया था। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं उससे वो खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और उन्हें सुरक्षा दी गई है, क्योंकि उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद मंत्रालय किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहता है ताकि आगे कोई अनहोनी ना हो सके, इसीलिए उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये बता दिया गया है, जानकारी दे दी गई है मंत्रालय की तरफ से कि असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है।